दोस्तों, एक समय था जब 4,000 रुपये के अंदर फीचर फोन्स आते थे, और आज की तारीख में आप 4,000 रुपये के अंदर ये खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये 17 इंच का टीवी है, फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसमें एचडीएमआई पोर्ट भी है, तो अगर आप चाहें तो इसे स्मार्ट भी बना सकते हैं। और इसकी कीमत है 3,699 रुपये। अब इस टीवी के बॉक्स पैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी, और चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से बॉक्स पैक में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे इसमें 17 इंच का टीवी है। दोस्तों, ये है डीटेल D1 स्टार LED टीवी, और इसकी कीमत है 3,699 रुपये। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए, ये जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ। ये लीजिए, इस बॉक्स को मैंने खोल दिया है। इस प्रकार से टीवी को पैक किया गया है। बॉक्स के अंदर आपको ये वॉल माउंट किट मिलता है। अगर आप चाहें तो इस टीवी को वॉल पर भी लगा सकते हैं। ये किट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये स्टैंड मिलता है। अगर आप चाहें तो ये जो टीवी है इसे स्टैंड पर भी लगा सकते हैं। स्टैंड के लिए स्क्रू दिया हुआ है। बॉक्स में आपको यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी मिलेगा। और ये देखिए, रिमोट भी दिया हुआ है, और साथ में 2 AAA बैटरीज भी दिया हुआ है, ये देखिए। और बॉक्स में आपको ये डिटेल टीवी मिलता है। ये 17 इंच का LED टीवी है, इस प्रकार का दिखता है। तो ये देखिए, छोटा सा टीवी है, इसके ऊपर बहुत सारा स्टिकर लगा हुआ है। इसे मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए, फिल्म है, प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो फिल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ। अब इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जब मैं वो फिल्म निकाल रहा था तो डिटेल का लोगो भी साथ में निकल गया है। ये देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये स्पीकर है। एक्चुअली 5 वॉट्स के 2 स्पीकर हैं, एक यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा स्पीकर यहाँ पर है। आगे की तरफ से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है, और पीछे की तरफ से ये इस प्रकार का दिखता है। इनफैक्ट पीछे से ये काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर वॉल माउंट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है एकदम ठीक ठाक है। प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा अंदर दब गया है। ये देखिए, टीवी का बेस है। यहाँ पे पोर्ट्स दिया हुआ है। ये है एंटीना का पोर्ट, ये है USB पोर्ट, और यहाँ पर ऑडियो पॉइंट्स है। ये है HDMI पोर्ट। अगर आप चाहें तो इस टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं, जो डोंगल है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास Amazon Fire TV स्टिक है तो आप उसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर VGA पोर्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये जो टीवी है इसे आप एज अ मॉनिटर की तरह भी अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इस VGA पोर्ट के ज़रिए। वैसे अगर आप चाहें तो इसे स्टैंड पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे यूं ही रख दिया है। काफ़ी स्टेबल है इस प्रकार से। तो ये लीजिए, टीवी को मैंने ऑन कर दिया है, और देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपके पास USB पेन ड्राइव है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और फोटोज़, अगर पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ है, म्यूज़िक है या मूवीज़ है, इस मेनू ऑप्शन का उपयोग करके आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। अब ये जो रिमोट है इसमें जो मेनू ऑप्शन है उसे मैं प्रेस करता हूँ। ये देखिए, मेनू ऑप्शन प्रेस करते ही मुझे ये ऑप्शंस मिलते हैं, और आप रिमोट का ही उपयोग करके नेविगेशन कर पाएंगे, और रिमोट पर ही जो अप एंड डाउन बटन है उसका उपयोग करके आप जो सेटिंग्स है इस टीवी के उसे कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ये देखिए, तो ओवरऑल मुझे ये ओके किस्म का टीवी लगा। लेकिन चलिए, मेरे पास जो Amazon Fire TV स्टिक है उसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो जो फायर स्टिक है उसे मैंने कनेक्ट कर लिया है, और मुझे अब ये जो रिमोट है इसके ऊपर ये जो इनपुट का बटन है इसे प्रेस करना है। ये लीजिए, ताकि मैं जो इनपुट सोर्स है HDMI को सेलेक्ट कर पाऊँ। ये लीजिए, HDMI को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये 720p रेजोल्यूशन में चल रहा है, और जो Amazon Fire TV स्टिक के साथ में जो रिमोट आता है मैं उसका उपयोग करके नेविगेशन कर सकता हूँ। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये Amazon Fire TV स्टिक है जिसे मैंने डिटेल टीवी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, टीवी का जो एस्पेक्ट रेशियो है, मैंने ये देखिए यहाँ पर जो सेटिंग्स है उसमें जाके टीवी का एस्पेक्ट रेशियो जो है उसे मैंने 16:9 कर दिया है। ये देखिए, तो इससे थोड़ा सा 16:9 का फील आ जाएगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन जो स्क्रीन है काफ़ी छोटा है क्योंकि ये 17 इंचेस का स्क्रीन है। चलिए, अब मैं कुछ वीडियो प्ले करता हूँ, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से प्ले कर रहा है। देखिए, ये हैरी पॉटर मूवी मैं प्ले कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है।
मतलब कि जो 17 इंच का डिटेल का टीवी है, इस पर आप अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक लगाकर जो अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक के कंटेंट है वो प्ले कर पाएंगे। ये देखिए, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है प्राइसिंग के हिसाब से, पिक्चर क्वालिटी इसकी ठीक ठाक कह सकते हैं, जो व्यूइंग एंगल्स भी वो भी एक तरह से ठीक ठाक है। ये देखिए, मतलब कि प्राइसिंग के हिसाब से ओके किस्म की टीवी है। ये देखिए ऊपर का व्यू, फिलहाल तो मैंने इस पर अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक लगाया हुआ है जिसके कारण ये और भी थोड़ा सा स्मार्ट बन गया है। ये जो अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक है इसे मैंने HDMI पोर्ट में डाला हुआ है। वैसे अगर आपके पास USB पेन ड्राइव है जिसमें गाने हैं, मूवीज़ हैं, वो भी आप इस टीवी पर प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है डिटेल D1 स्टार LED टीवी। 17 इंच के स्क्रीन के साथ में आता है, फुल HD रेजोल्यूशन है, इसमें HDMI पोर्ट भी है, USB पोर्ट भी है और इसकी कीमत है 3,699 रुपये। अब इसका जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से इस टीवी की जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है एक तरह से ठीक ठाक है। वैसे बेहतर होगा कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करेंगे और अच्छी क्वालिटी के टीवी लेंगे, लेकिन अगर आपका बहुत ही लिमिटेड बजट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसकी कीमत है 3,699 रुपये। तो दोस्तों, ये टीवी आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।